इन्होंने अपनी शुरुआत एक गैरेज में मैकेनिक से की। जब ये 9 साल के थे तो एक किताब भी चुराई जिसने इनकी जिंदगी बदल दी, और बिमल रॉय को अपना फादर फिगर मानते हैं ये। आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। कम शब्दों में इतनी गहरी बात कहने वाला कोई जादूगरी हो सकता है, और गुलजार साहब किसी जादूगर से कम नहीं। गुलजार साहब के जन्मदिन के अवसर पर मैं कहानी वाला लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक नई पेशकश, जहां पर हर हफ्ते मैं बात करूंगा किसी खास इंसान के जीवन के बारे में, बताऊंगा कैसे रहे वो अपने जीवन में, कैसे करी उन्होंने शुरुआत। चलिए चलते हैं इस खास सफर पर मेरे यानी कहानी वाला के साथ। आज मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण सिंह कालरा की, यानी कि हम सब के गुलजार साहब की। गुलजार का शब्दी मायने है गार्डन, यानी बागीचा, यानी कि वो एक कवि होने के अलावा एक गीतकार भी थे, फिल्म निर्देशक भी थे, निर्माता भी थे और नाटककार भी थे। माखन सिंह कालरा और सूजन कौर के बेटे गुलजार का जन्म 18 अगस्त 1934 को झेलम जिले के दीना गांव में हुआ, और यही वजह थी कि वो अपना तखल्लुस गुलजार दीन भी लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे छोटा करके सिर्फ गुलजार इस्तेमाल किया। और जब भारत का बंटवारा हुआ तब इनका परिवार आजाद भारत के अमृतसर में बस गया, और ये खुद बॉम्बे आ गए, जहां इन्होंने काफी छोटे छोटे काम किए, और उन छोटे कामों में एक काम था मैकेनिक का। जी हां, गुलजार साहब ने अपनी शुरुआत एक गैरेज में एज अ कार मैकेनिक की, लेकिन मैकेनिक का काम करने के साथ साथ उन्होंने लेखन भी जारी रखा। खाली समय में वे कविताएं लिखा करते थे, और शुरुआत में वे जिस नाम से अपना लेखन लिखते थे वह नाम था गुलजारदीन भी, जो बाद में गुलजार रह गया। मैं एक बहुत ही मजेदार किस्सा बताता हूं आपको गुलजार साहब का। गुलजार साहब फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे, और वर्स्ट ऑफ ऑल वो गाने नहीं लिखना चाहते थे। लिखना चाहते थे तो सिर्फ कविताएं, क्योंकि उन्हें लिटरेचर से बहुत प्यार था और वो उसी को ही प्यार करना चाहते थे। तो जब वो पीडब्ल्यूए जाते थे, पीडब्ल्यूए यानी कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन था जो इंडियन राइटर्स ने ही एस्टैब्लिश किया था, तो जब वो वहां जाते थे पीडब्ल्यूए में, तो उस दौरान उनकी मुलाकात और भी राइटर से हुई वहां पर, जैसे कि शैलेंद्र जी, देबू सेन जी, तो वो वहां उनके दोस्त बन गए। और देबू सेन ही वजह रहे जो गुलजार साहब को, जिन्होंने बंगाली लिटरेचर से प्यार कराया। तो जब उन्हें बंगाली लिटरेचर की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान हुआ गुलजार साहब का, तो उन्होंने बंगाली शायरियां सुनना शुरू कर दी और अपने उर्दू पर्चों के लिए ट्रांसलेट करने लगे। और देबू सेन ही है जिन्होंने गुलजार साहब को बिमल दास यानी बिमल रॉय से मिलवाया। हालांकि वो जाना तो नहीं चाहते थे बिमलदा के पास, लेकिन शैलेंद्र जी ने उन्हें डांट लगाई और बोला कि जाएं। फिर वो बिमलदा से मिले, और उस वक्त बिमलदा की फिल्म बन रही थी बंदनी, और जिसके लिए गुलजार साहब ने पहला गाना लिखा। वो गाना था ये। इस गाने के पीछे भी एक किस्सा है कि किस तरह से गुलजार साहब ने यह गाना लिखा, या यूं कहूं कि लिखवाया गया। हुआ कुछ यूं कि बंदनी को डायरेक्ट कर रहे थे बिमलदा, और म्यूजिक दे रहे थे एसडी बर्मन, और गाने लिख रहे थे शैलेंद्र जी। लेकिन उस वक्त किसी वजह से शैलेंद्र जी और एसडी बर्मन के बीच में कुछ कहासुनी हो गई, तो बिमल रॉय ने गुलजार साहब को एसडी साहब की धुन पे गाना लिखने को कहा। हालांकि गुलजार साहब गाना तो नहीं लिखना चाहते थे,
लेकिन किसी तरह से उन्होंने वो गाना लिखा, उनकी बात मानी। और हालांकि बाकी के गाने जो हैं वो शैलेंद्र जी ने ही लिखे, पर बिमल दा को उस वक्त गुलजार साहब के टैलेंट का अंदाजा हो गया था, तो वो चाहते थे कि ये सिलसिला और बढ़े और वो और लिखें, लेकिन गुलजार साहब ने मना कर दिया। पर बिमल दा नहीं चाहते थे कि गुलजार साहब वापस उस गैरेज में जाएं और मैकेनिक का काम करें, इसलिए उन्होंने तब उनसे कहा कि देखो मैं नई फिल्म शुरू कर रहा हूं काबुलीवाला के नाम से, तुम मुझे असिस्ट करो, लेकिन वापस मोटर गैरेज में काम करके अपने आप को वेस्ट मत करो। तो गुलजार साहब आज भी जब इस चीज को याद करते हैं तो उनका गला भर जाता है। वो बिमल रॉय को अपना मेंटोर या गुरु ही नहीं बल्कि एक पिता की छवि मानते थे, और इस तरह से गुलजार साहब ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। 1966 में आई फिल्म बीवी और मकान, जिसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी और लिरिसिस्ट थे गुलजार साहब। फिर उसके बाद ऋषिकेश दा और गुलजार साहब ने बहुत सी फिल्में साथ में की, जैसे कि आनंद, बावर्ची, नमक हराम, गुड्डी। और गुड्डी की अगर मैं बात बताऊं तो गुड्डी फिल्म में गुलजार साहब का एक गाना है जो कि बहुत फेमस हुआ है, जिसके बोल हैं हमको मन की शक्ति देना। वो गाना इतना फेमस हुआ कि वो आज भी स्कूलों में प्रेयर के तौर पर गाया जाता है। गुलजार साहब ने अपने फिल्मी करियर में राहुल देव बर्मन के अलावा सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, राजेश रोशन, सलील चौधरी तथा एआर रहमान जैसे संगीतकारों के साथ भी काम किया है। एक उम्दा लिरिसिस्ट के साथ साथ वो एक बेहतरीन डायरेक्टर भी थे, और उनकी एज अ डायरेक्टर सबसे पहली फिल्म थी 1971 में आई मेरे अपने। इसके बाद इन्होंने कोशिश, अचानक, आंधी और परिचय जैसी फिल्म डायरेक्ट करी। 1972 में बनी फिल्म कोशिश, जिसमें जया भादुरी थी और संजीव कुमार थे, यह एक ऐसे जोड़े की कहानी थी जो सुनने और बोलने में असमर्थ थी, और इस खूबसूरत फिल्म ने गुलजार साहब को डायरेक्टर की एक अलग ही कैटेगरी में रख दिया था। इसके बाद गुलजार और संजीव कुमार की केमिस्ट्री कुछ यूं बैठी कि उनकी जोड़ी आंधी, मौसम, अंगूर और नमकीन जैसी फिल्मों में पूरी तरह सफल साबित हुई। देखिए, गुलजार साहब का लिखने का तरीका, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स सब जुदा है बाकियों से, ये आप मानते हैं मेरी बात, क्योंकि वो सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कॉम्प्लेक्सिटी को बयां कर देते हैं। एक किस्सा है जो मुझे पर्सनली काफी पसंद है, क्योंकि यह जुड़ा है मेरी एक फेवरेट फिल्म से, 1987 में आई फिल्म इजाजत। इसको डायरेक्ट किया है गुलजार साहब ने और म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने। तो इस फिल्म में एक गाना है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। तो जब ये गाना गुलजार साहब ने आर डी बर्मन को पकड़ाया म्यूजिक कंपोजिशन के लिए, तो आर डी बर्मन ने जब उसे पढ़ा तो मजाक में कहा कि ये क्या है, कल को तुम न्यूज़पेपर के रैंडम हेडलाइंस पे भी गाना बनवा लोगे मुझसे। तो वो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उस लिरिक्स में एक टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग की तरह कोई मीटर नहीं था, कोई राइमिंग नहीं थी, सब लाइन अलग मीटर में थी, तो धुन कैसे बनती। बट आर डी बर्मन तो आर डी बर्मन थे, उन्होंने इसकी धुन बनाई, और इसी गाने के लिए आशा भोसले जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला और गुलजार साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का। अब मैं बात करूंगा गुलजार साहब के निर्देशन में बनी एक ऐसी चीज की जिसने गुलजार साहब के डायरेक्शन करियर को एक दूसरे मुकाम पे पहुंचा दिया। मैं बात कर रहा हूं 1988 में दूरदर्शन पे आया सीरियल मिर्जा गालिब, जिसमें गालिब की भूमिका निभाने वाले कोई और नहीं नसीरुद्दीन शाह थे, और इसमें जो गजलें थी उसको गाया और म्यूजिक दिया था जगजीत सिंह जी ने। ये उस वक्त का बहुत ही पॉपुलर सीरियल था, और इससे जुड़ा एक किस्सा है जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। वो ये कि जब गुलजार साहब इस सीरियल की प्लानिंग कर रहे थे 1970s में, तो वो संजीव कुमार को कास्ट कर रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफी अच्छी केमिस्ट्री हो गई थी इनकी फिल्म बनाने के दौरान,
फिर बीच में प्रोजेक्ट किसी कारण से बंद हो गया और तकरीबन 10 साल के बाद गुलजार साहब ने वापस उस प्रोजेक्ट को उठाया और उस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने संजीव कुमार को नहीं नसीरुद्दीन शाह को कास्ट किया एज अ मिर्जा गालिब। तो इस पर नसीरुद्दीन शाह की भी एक स्टोरी है, एक छोटा सा किस्सा है कि ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने संजीव कुमार की जगह नसीरुद्दीन शाह को कास्ट किया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1970s में जब नसीरुद्दीन शाह को यह बात पता चली कि गुलजार भाई मिर्जा गालिब पर एक सीरियल बना रहे हैं और उसमें गालिब के रोल के लिए संजीव कुमार को कास्ट कर रहे हैं, तो तुरंत नसीरुद्दीन शाह ने गुलजार साहब को एक लेटर लिखा। उसमें लिखा था कि संजीव कुमार को जो आप कास्ट कर रहे हैं गालिब के रोल के लिए वो सरासर गलत है, क्योंकि वो गुजराती हैं तो शायद वो जस्टिफाई ना कर पाए इस रोल को, तो इस रोल के लिए आप मुझे कास्ट करें। तो ऐसा लिखकर गुलजार भाई को उन्होंने लेटर भेज दिया। फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जब काम करना शुरू हुआ, हालांकि इसके अंदर नसीरुद्दीन शाह ही थे, लेकिन बाद में जब पता चला तो नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि ये जो लेटर था जो उन्होंने लिखा था वो गुलजार साहब को कभी मिला ही नहीं। तो ये किस्मत की बात थी कि उस रोल के लिए नसीरुद्दीन शाह को कास्ट किया गया। तो वैसे तो गुलजार साहब ने अपने जीवन काल में बहुत काम किया है जिसके लिए तारीफें कम पड़ जाएंगी और मेरे बोल भी, क्योंकि उन्होंने एज अ लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और यहां तक म्यूजिक कंपोज भी किया है कुछ फिल्मों के लिए, और जिस फिल्म में भी काम किया है वहां अपनी छाप छोड़ी है, जिसके लिए उन्हें बहुत सी अप्रिसिएशन और अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स और स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के गाने जय हो के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड और एकेडमी अवार्ड भी मिला है, और 2004 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। मैं आज उनके जन्मदिन पर उनको बेहद शुभकामनाएं देता हूं और लंबी उम्र की कामना करता हूं, और इसी के साथ मैं कहानी वाला आपसे विदा लेता हूं। मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे नए चैनल TSH पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं लाऊंगा सुनने के लिए बहुत कुछ। चलिए अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत।